हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यहाँ पर रिसेंटली शाओमी ने लॉन्च किया है अपना नया फिटनेस बैंड, जिसका यहाँ पर नाम है शाओमी मी बैंड 3i। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे इसी फिटनेस बैंड का शाओमी मी बैंड 3 के साथ। तो यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर कंपेरिजन रहने वाला है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर डिसाइड करना थोड़ा ईजी हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा फिटनेस बैंड यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस के साथ आता है Xiaomi Mi Band 3i, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ आपको मिलता है पुराना Mi Band 3। तो यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ इन्हें डिवाइड किया है। यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आपको कंपैरिजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पर होगा प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, और यही सभी चीज़ें इन्हें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे और आपके लिए यहाँ पर ईजी बनाएंगी कि आपके लिए कौन सा फिटनेस बैंड यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पर डिज़ाइन और डिस्प्ले से। तो अगर हम बात करें, यहां पर मी बैंड 3 के अंदर आपको मिलती है 0.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले, जो कि यहां पर काफी अच्छे से वर्क करती है, काफी अच्छा व्यूइंग एंगल आपको मिलता है। बट यहां पर सनलाइट में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, जब आपके यहां पर बैंड के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो आपके लिए यहां पर थोड़े से विजिबिलिटी दिक्कत में आ जाती है। उसी के साथ दोस्तों, यहां पर सेम फीचर्स के साथ, सेम डिस्प्ले के साथ आपको मिलती है मी बैंड 3i भी। तो यहाँ पर डिज़ाइन और डिस्प्ले तो सेम रहने वाले हैं दोनों ही फिटनेस बैंड के अंदर, जो कि यहाँ पर कोई खास डिफरेंस नहीं बनाते हैं दोनों ही फिटनेस बैंड के अंदर। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर मी बैंड 3 और मी बैंड 3i के अंदर, तो यहाँ पर आप इजिली म्यूजिक प्ले बैक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोनों ही फीचर आपको दोनों ही फिटनेस बैंड के अंदर मिल जाते हैं। दोस्तों, डिज़ाइन और डिस्प्ले में दोनों ही फिटनेस बैंड सिमिलर यहां पर निकल कर आए हैं। आगे बढ़ते हैं यहां पर दूसरे, यहां पर अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो वो हम यहां पर लेकर आए हैं परफॉर्मेंस का। दोस्तों, अगर हम यहां पर परफॉर्मेंस में बात करें तो मी बैंड 3 और मी बैंड 3i दोनों ही यहां पर ब्लूटूथ 4.2 सपोर्टिव मिलते हैं। साथ ही साथ यहां पर अगर एंड्रॉयड वर्जन 4.4 और यहां पर iOS वर्जन 9.0 से अबव जितनी भी डिवाइसेस होने वाली है, उनके अंदर ही यहां पर दोनों ही फिटनेस बैंड इजिली वर्क करेंगे। तो यहां पर कनेक्टिविटी में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बट यार, यहां पर अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहां पर दोनों ही फिटनेस बैंड सिमिलर परफॉर्मेंस के साथ आउटपुट आपको देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वाइज भी कुछ खास यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर दोनों ही फिटनेस बैंड के बैटरी बैकअप की, तो यार 110 mAh की बैटरी के साथ दोनों ही फिटनेस बैंड आपको मिलते हैं, जो कि यहाँ पर 2 हफ्ते तक स्टैंड बाय टाइम में रहते हैं। तो यार, आप यहाँ पर एक बार चार्ज कीजिए, उसके बाद 2 हफ्ते तक ईजिली आपके फिटनेस बैंड दोनों ही वर्क करने वाले हैं। दोस्तों, बैटरी वाइज भी यहाँ पर सिमिलर दोनों ही प्रोडक्ट निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं इन दोनों ही फिटनेस बैंड का, तो अभी तक दोस्तों यहाँ पर कोई खास डिफरेंस यहां पर आपको नहीं मिलता है दोनों ही फिटनेस बैंड के अंदर। दोनों ही यहां पर सेम फीचर्स के साथ आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर कुछ फीचर्स और आपको मैं बताता हूं दोनों फिटनेस बैंड में। तो कंप्लीट यहां पर मी बैंड 3 और मी बैंड 3i के अंदर आपको 5 ATM का यहां पर रेटिंग मिल जाती है। दोस्तों, ये होता ही है कि अगर आपको यहां पर ये डिवाइस बाय चांस पानी के अंदर चलाता है अबव 50 मीटर्स, अगर यहां पर 50 मीटर्स तक आपका यहां पर बैंड पानी के अंदर रहता है तो यहां पर यह सर्वाइव कर जाएगा। बट दोस्तों, इससे नीचे अगर ये यहां पर चला जाता है पानी के अंदर, तो यार यहां पर थोड़ी सी मुश्किल इसके लिए हो सकती है। तो यार, 5 ATM आपको दोनों ही फिटनेस बैंड के अंदर सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है। 5 ATM का यहां पर रेटिंग दोनों ही फिटनेस बैंड के अंदर मिलता है। बाकी दोस्तों, यहां पर मी बैंड 3i के अंदर आपको वाइब्रेशन अलार्म के फीचर्स मिलते हैं, स्लीप मॉनिटरिंग मिलती है, आइडल अलर्ट मिलता है, इवेंट रिमाइंडर मिलता है, रियल टाइम एक्टिविटी ट्रैकर भी आपको मिल जाता है। बाकी दोस्तों, यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा आपको मिलती है मी बैंड 3 के अंदर, जो कि यहां पर हो जाती है हार्ट रेट मॉनिटरिंग। जी हाँ दोस्तों, यही यहां पर अलग बना देती है इसी फिटनेस बैंड को नए फिटनेस बैंड मी बैंड 3i से। क्योंकि यार दोस्तों, यहां पर आपको प्राइस भी थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आप यहां पर हार्ट मॉनिटरिंग चाहते हैं अपने फिटनेस बैंड में। और दोस्तों, यहां पर अगर आप दोनों ही फिटनेस बैंड को वर्कआउट के दौरान पहनते हैं, तो इजिली यार यहां पर आप स्टेप और कैलोरी को काउंट कर सकते हैं मी बैंड 3i के अंदर। साथ ही साथ यहां पर थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं जब आप मी बैंड 3 को यहां पर वेयर करते हैं किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी के दौरान, क्योंकि यहां पर आपको स्विम, यहां पर आपको स्टेप, कैलोरी, साथ साथ यहां पर डिस्टेंस, ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं
पुराने मी बैंड 3 के अंदर। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर डिज़ाइन की, बिल्ड क्वालिटी की, ड्यूरेबिलिटी की, तो दोनों ही फिटनेस बैंड यहाँ पर सिमिलर निकल कर आए हैं, कोई खास डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। डिस्प्ले आपको यहाँ पर सेम मिल जाती है देखने के लिए, फीचर्स आपको लगभग सेम मिलते हैं, बट जो मेन डिफरेंस आपको मिलता है दोस्तों वो यहाँ पर मिल जाता है सिंपल एक ही आपको एक्स्ट्रा फीचर्स का, जो कि आपको मिलता है हार्ट रेट मॉनिटरिंग। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट बताऊँ क्या आपको डिफरेंस मिलता है दोनों ही फिटनेस बैंड के अंदर, तो यहाँ पर क्लियर कट आपको आंसर बताऊँ तो यार यहाँ पर आपको मी बैंड 3 के अंदर हार्ट रेट मॉनिटरिंग एक्स्ट्रा मिल जाती है, कुछ आपको एक्स्ट्रा एक दो फीचर और देखने के लिए मिल जाते हैं, बट यार यहाँ पर बाकी सभी चीज आपको सेम मिलती है, डिस्प्ले से लेकर फीचर से लेकर डिजाइन तक सभी चीज सेम है। बाकी बस यहाँ पर प्राइस और एक एक्स्ट्रा फीचर जो कि हार्ट मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर अलग बना देता है मी बैंड 3 को। अगर दोस्तों प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो यार यहाँ पर मी बैंड 3 आपको मिलता था 1799 रुपये में, और यार कभी कभी सेल में थोड़ा बहुत प्राइस अप डाउन हो जाता था इसका। बाकी दोस्तों यहां पर जो नया मी बैंड 3 आई है वो आपको मिल जाएगा 1299 रुपीज। अगर दोस्तों आपको मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो यार दोनों ही फिटनेस बैंड आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप यहां पर सोच रहे हैं कोई फिटनेस बैंड कम प्राइस के अंदर कम फीचर्स के साथ काफी अच्छे से वर्क करे तो यार आप जरूर से यहां पर मी बैंड 3 आई को ले लीजिए, क्योंकि यार यहां पर आपको मोस्टली सभी फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको मी बैंड 3 के अंदर मिलते हैं। प्राइसिंग आपको 1299 रुपये मिलती है, तो यार कम प्राइस में आपको काफी अच्छा फिटनेस ट्रैकर मिल जाता है जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, आपके यहां पर स्टेप्स बताएगा और यार यहां पर इजीली भी अच्छे से वर्क करेगा। 2 हफ्ते की आपको बैटरी बैकअप मिलता है, 5 ATM आपको यहां पर रेटिंग मिल जाती है, तो काफी अच्छा फिटनेस ट्रैकर आपके लिए रहने वाला है। बाकी दोस्तों अगर आपका बजट यहां पर 2000 रुपये तक है कोई फिटनेस ट्रैकर लेने का, तो यार आपके लिए यह भी काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। 1799 रुपये में मी बैंड 3 को आप ले सकते हैं, साथ ही साथ यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएगा जो कि होगा यहां पर हार्ट रेट मॉनिटरिंग, तो पल्सिस यहां पर आपको पता चलती रहेंगे और काफी अच्छा फिटनेस ट्रैकर आपको मिलता है। दोनों ही फिटनेस बैंड अच्छे यहां पर प्लास्टिक मटेरियल का यूज करके बनाए गए हैं, काफी अच्छी यहां पर प्लास्टिक है जो कि स्किन फ्रेंडली है, लंबे समय तक दोनों ही फिटनेस बैंड को आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और साथ साथ डिस्प्ले में भी आपको काफी अच्छा व्यूइंग एंगल मिलते हैं, बट दोनों ही डिस्प्ले के अंदर आपको कभी कभी दिक्कत होगी जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी डिस्प्ले के ऊपर, तो आप थोड़ा सा यहां पर इनकंफर्टेबल फील करेंगे किसी भी चीज को पढ़ने में। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो जहां पर आपको मैंने बताया दोनों ही फिटनेस बैंड में क्या आपको डिफरेंस मिलता है। माइनर डिफरेंस के साथ आपको दोनों ही फिटनेस बैंड के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों यहां पर कंप्लीट डिसीजन आपका है, आप चाहें तो दोनों में से किसी भी फिटनेस बैंड को यहां पर ले सकते हैं, दोनों के ही लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप जरूर से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल रही होगी, आपके लिए यहां पर चूज करना ईजी रहेगा कि मी बैंड 3 आपको लेना चाहिए या फिर मी बैंड 3 आई। बाकी दोस्तों इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर से लाइक कर दें, कमेंट में लिखकर बताएं आपको दोनों ही फिटनेस बैंड में से कौन सा फिटनेस बैंड यहां पर काफी ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही दोस्तों आप हमें जरूर से बताइएगा आप इन दोनों ही फिटनेस बैंड में से कौन सा फिटनेस बैंड लेने वाले हैं और कौन सा फिटनेस बैंड आपके लिए यहां पर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टेक केयर, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।